हेलो डियर लोवीज़, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू ऑरा ऑफ यूनिवर्स। क्या आप सब जानते हैं कि कोई अगर हमसे बहुत ज़्यादा दूर हो, लाइक हम इंडिया में हो और वो अब्रॉड में हो, और हमें उससे अगर कोई मैसेज भेजना हो तो हम कैसे कह सकते हैं? यानी कि अगर हमें उससे कोई बात अपनी याद दिलानी हो या कोई मैसेज ऐसे देना हो, बट नो फ़ोन कॉल, नो एनी मैसेज, नो ईमेल्स, नथिंग। वो एक तरीका है, वो बहुत ही अच्छा तरीका है और उसको बोलते हैं टेलीपैथी। जी हाँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की सबसे पावरफुल टेक्निक होती है टेलीपैथी, जिसे हम आध्यात्म में बोलते हैं ना माइंड टू माइंड मैसेज भेजना, माइंड टू माइंड कॉन्वर्जेशन करना। सो माइंड टू माइंड बहुत ही अच्छा कॉन्वर्जेशन होता है और ये बहुत ही पावरफुल होता है किसी को अपने मन की बात समझाने के लिए, फिर चाहे वो कितनी भी दूर क्यों ना हो। तो ये हमें करना कैसे होता है? इसमें क्या होता है कि सबसे पहले आप एकदम शांति से बैठ जाइए, रिलैक्स करिए। आप कम से कम 5 to 10 मिनट ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, इनहेल एक्सहेल करिए, कम से कम 5 से 10 मिनट, जब आपको लगे कि आपका दिमाग शांत हो गया है। और फिर उसके बाद आप एक पर्सन चूज़ कर लीजिए जिससे आपको ये बात कहनी है। ओके, एक ही पर्सन होना चाहिए, एक टाइम में एक ही पर्सन होना चाहिए। आपने वो पर्सन सेलेक्ट कर लिया, अब आपको उसको अपनी याद दिलानी है, या मतलब उससे कोई ऐसा मैसेज कहना है कि यार काश वो जल्दी आ जाए, या काश वो मेरे साथ इस टाइम यहाँ पर होता, मतलब या आपके साथ कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ हो और उस इंसिडेंट को आप उसको भी याद कराना चाहते हो कि वाओ लास्ट टाइम हमने कितना अच्छा टाइम स्पेंड किया था, काश वो फिर से आ जाता टाइम एंड हम बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते। तो इस तरीके का जो भी आपका एक मैसेज हो या जो भी आपका कह सकते हैं एक थॉट हो, वो आप सोच लीजिए। आपने अपने माइंड में एक अच्छा सा थॉट क्रिएट कर लिया, आंख बंद करके आप उस पर्सन की शक्ल, जो मतलब आप उस पर्सन का जो फेस है उसे याद करिए, और उसके साथ कुछ अच्छे मोमेंट्स जो बीते हों, ख़राब मोमेंट नहीं, जो मतलब अच्छे मोमेंट्स उसके साथ बीते हों उसको याद करिए, और मतलब मुस्कुराइए, मतलब इतना फील करिए, आप उसी मोमेंट में घुस जाइए जो मोमेंट आप सोच रहे हैं कि वाह जो भी आपने टाइम स्पेंड किया हो एक बहुत अच्छा टाइम, तो आप उसी में एकदम से घुस जाइए, लगे कि आप रियली प्रेजेंट में अभी वहाँ पर हैं। इस तरीके से आपको फील करना है, और जब आप वो फील करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाएगी। क्योंकि होता है ना कि जब भी हम कभी कोई अच्छा वाक्या याद कर लेते हैं, कोई अच्छा मोमेंट याद आता है, तो मुस्कुराहट अपने आप आ जाती है। तो आपको बस यही करना है कि फील करना है, उस पर्सन को पहले याद करना है, उसका फेस क्लियर एकदम अपनी आंखों के सामने रखना है, और उसके साथ बीते हुए कोई भी एक अच्छे मोमेंट, जो भी अच्छे मोमेंट्स आपने बताए हों उसको याद करना है, और बस अपने दिल में एक जो भी आपको मैसेज देना, एक बात कहनी हो, जो भी आप कहना चाहते हो कि लाइक मतलब आप उसको बहुत मिस कर रहे हैं, बहुत याद कर रहे हैं, या ऐसा हुआ वैसा हुआ, जो भी आपकी बातें हों आप वो उससे आराम से कह सकते हैं। तो आपको ये प्रोसेस कम से कम 5 से 10 मिनट तक करना है, जितनी देर मतलब आपको लगे कि आप कंसंट्रेशन कर सकते हैं और किसी और चीज़ पे आपका दिमाग नहीं जाना चाहिए उस टाइम में, सिर्फ इसी जगह पे आपका दिमाग जाना चाहिए, उसी बात को याद करना चाहिए। सो उसके बाद क्या होगा, आपने जब ये कर लिया उसके बाद आप बोलिए गॉड से, यूनिवर्स से, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। बस आपने थैंक यू बोला और आपने अपनी आईज खोल ली और उस मोमेंट को आप भूल गए। उसके बाद क्या होगा, जिस पर्सन को आपने ये बात बोली है उसके दिमाग में ये बात आएगी। मान लीजिए हो सकता है उस टाइम वो कहीं बिजी हो, उस टाइम उसका दिमाग किसी और चीज़ को सोच रहा हो, तो वो बात जो आपने अभी याद दिलाई है वो उसके कहीं मिस कॉल में बैठ जाएगी। मिस कॉल इन द सेंस उसके दिमाग में कहीं ये बात आ जाएगी, और जब वो कभी रिलैक्स मोड में बैठेगा, वो सोने जा रहा है, या कभी भी हम रिलैक्स मोड में जैसे बैठते हैं तो अगर हम वहाँ पर बैठेंगे तब हमें याद आएगी उस पर्सन की बात की, फिर हमको ऐसा लगेगा कि अच्छा लगता है हमें कोई याद कर रहा है, मतलब उस टाइम में हमें इस तरीके से फील होगा कि हमें कोई याद कर रहा है। तो ये बहुत ही अच्छा प्रोसेस होता है अपने दिल की बात माइंड टू माइंड टेलीपैथी के थ्रू किसी को बताना। तो आप एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, टेलीपैथी 100% वर्क करती है। मान लीजिए किसी से आपके ख़राब कुछ ऐसी चीज़ हो गई हो और फिर बाद में आपको लगे कि नहीं यार उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैं तो उसके बारे में बहुत अच्छा सोचती हूँ, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, तो आप जब यहाँ पर बोलेंगे ना, जब वो आदमी रिलैक्स मोड में जाएगा तो उसको ऑटोमेटिकली फील हो जाएगा। इसीलिए हम कहते हैं कि टेलीपैथी बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है, क्योंकि हम बहुत ही आसानी से
किसी को अपने दिल की बात समझा सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से कह सकते हैं। मान लीजिए किसी से मेरा झगड़ा हो गया हो या हमारी अनबन हो गई हो किसी बात पे और हम बात भी ना कर रहे हैं, हो सकता है वो पर्सन सामने भी हो और हो सकता है वो पर्सन सामने ना हो। ये भी हो सकता है कि आपके घर ही में बहुत से ऐसे फैमिली मेम्बर्स होते हैं जिनसे आपकी अनबन हो जाती है और आप बातचीत नहीं करते हैं, उस टाइम में नहीं हो रही होती है। तो इसका सबसे अच्छा तरीका यही है कि ठीक है, उस टाइम में हुआ, फिर आप रिलैक्स मोड में बैठ जाइए एंड देन उसके बाद आप इस चीज़ को फील करिए, मतलब उस पर्सन के साथ बताए हुए अच्छे मोमेंट्स को याद करिए, उनको याद करिए। तो उससे क्या होगा कि आपकी वो बात, अगर वो रिलैक्स मोड में है तो वो बात तुरंत उनके पास पहुंच जाएगी, और अगर उनका माइंड बिजी है या वो किसी और चीज़ के बारे में सोच रहे हैं या कुछ भी, अगर कहीं मतलब किसी से बात कर रहे हैं या उनका दिमाग अभी कहीं और बिजी है, तो वो मिस कॉल के रूप में उनके दिमाग में ही बैठी रहेगी। जब वो रिलैक्सिंग मोड में जाएंगे तो वो बात ऑटोमेटिकली याद आ जाएगी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में टेलीपैथी को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है। जब आप इतने अच्छे इमोशंस के साथ उस चीज़ को याद करते हैं, कहते हैं ना, तो जो आपके गलत रिश्ते भी होते हैं ना वो भी सुधर जाते हैं। मतलब उस मान लीजिए आपकी कोई अनबन भी हुई होगी और गलती अगर उस पर्सन की होगी तो वो पर्सन भले आपसे सामने आकर ना एक्सेप्ट करे, लेकिन उसको बाद में ये रियलाइज़ होगा कि मैंने गलत किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था उसके साथ, मैंने बुरा किया, शायद उसको बुरा लगा हो। तो फिर आप देखिएगा थोड़ी देर बाद वो आपके साथ कितने प्यार से पेश आएगा, एक प्यारी सी स्माइल लेकर आएगा। तो उसमें क्या होगा, हमें एक दूसरे से कुछ बुरा बोलने की ज़रूरत भी नहीं है और हमारा अच्छा सा अच्छी सुलह भी हो गई, यानी कि हमारी बातचीत भी हो गई एक स्माइल के साथ। तो ये सबसे अच्छा तरीका है टेलीपैथी, आप ज़रूर एक बार यूज़ करें। जो दूर हों उनके लिए भी यूज़ करें, जो घर में हैं उनके लिए भी यूज़ करें, ये 100% वर्क करता है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा।